continuing with the same topic, groups and subgroups. Next theorem, a necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be subgroup is that H inverse is H. So, proof, let us first define elements of H inverse. So, किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? A, B inverse टाइप के, A, कॉमा B belongs to H. इसी तरह के एलिमेंट्स होंगे इसमें. और हमने प्रूव करना है कि अगर आपके पास H सबग्रुप है तो H इनवर्स H के इक्वल होगा, और अगर H इनवर्स H के इक्वल है तो H क्या होगा? सबग्रुप. क्लियर? इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट. सो फर्स्ट लेट अस सपोज, लेट H बी सबग्रुप ऑफ G. A, let A comma B belongs to H. और अगर A B H में है तो A B inverse कहां पे चला गया? H inverse में, from 1. Clear? Since H is subgroup, therefore, AB inverse also belongs to H by definition of subgroup. Clear? हमने एक theorem की थी कि अगर आपके पास AB H में है और H subgroup है तो AB inverse कहाँ होगा? H में. So, AB inverse belongs to H. So, आपके पास AB inverse, यहां पे लिख लो, ए बी इनवर्स कहां से लिया था? लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. सिंस एच इज अ सब ग्रुप, देयरफॉर ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच. तो ए बी इनवर्स किसके एलिमेंट था? एच इनवर्स का, और वो कहां पे चला गया? एच में. तो जो भी एलिमेंट एच इनवर्स का होगा वो कहां चला जाएगा? एच में. सो लेट दिस इज 2, दिस इज 3. 2 एंड 3 इंप्लाइज H inverse belong is contained in H. Clear? Let this is 4. अब हम उल्टा प्रूव कर देते हैं कि H is also contained in H inverse. So let A belongs to H. ठीक है? A H में से लिया. A can be written as A into E inverse. और E क्या है? Identity of H, because H is a subgroup. H अगर subgroup है तो group भी होगा, तो identity exist करेगी. So, और इस तरह के element किस में चले जाएंगे? H inverse में. Clear? यहां लिख दो, A comma E belongs to H. E is identity of H. Clear? So, आपके पास A H में से लिया था, A कहां चला गया? H इनवर्स में. So this implies H किस में contained हो गया? H इनवर्स में. H इनवर्स H में contained था और H contained हो गया H इनवर्स में. तो from 4 and 5, but we have they both are equal. So this proves the first part of the theorem. Next part. सेकेंड पार्ट इज, आपको लेट H इनवर्स इज इक्वल टू H, एंड टू प्रूव H इज सब ग्रुप. सेकेंड पार्ट में आपने ये प्रूव करना है. ठीक है? सो लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू H, और हमने ये प्रूव करना है H को सब ग्रुप. प्रूव करने के लिए A B इनवर्स कहां पे है? H में. तो अगर A भी H में है तो बाय डेफिनेशन A भी इनवर्स इज बिलोंग्स टू H इनवर्स. ठीक है? फ्रॉम 1 बाय डेफिनेशन लिख लो, या फ्रॉम 1 यहां बाय डेफिनेशन हटा दो. A भी इनवर्स कहां पे है? H इनवर्स में. सिंस H इनवर्स किसके इक्वल है? H के. देयरफॉर AB inverse also belongs to H. AB H में था,
और ए बी इनवर्स कहां चला गया, एच में। सो ये जो फ्रॉम वन है ये यहां पे लिखो, फ्रॉम वन वी हैव ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच एच इनवर्स। सिंस एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, देयरफॉर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और ए बी एच में था, ए बी इनवर्स एच में चला गया, इंप्लाइज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। यही आपने प्रूफ करना था। सो दिस कंप्लीट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम, इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। सो आपको गिवन क्या है, एच के कोई भी दो सब ग्रुप्स हैं ग्रुप जी के, देन एच के इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। ठीक है, सो अब आपने क्या प्रूव करना है कि अगर आपके पास एच के सब ग्रुप है तो के एच इज इक्वल टू एच के होगा, और अगर एच के इज इक्वल टू के एच है तो एच के क्या होगा, सब ग्रुप। सो लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी एंड एच के इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ऑफ ग्रुप जी। और टू प्रूव वी हैव टू प्रूव एच के इज इक्वल टू के एच। लेट अब हमने क्या शो करेंगे कि एच के एच में कंटेन्ड है और के एच एच के में कंटेन्ड है। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के और एच के क्या है, सब ग्रुप। अगर एक्स एच के में है तो एक्स किस टाइप का, तो हम जो हमारा एच के है वो सब ग्रुप है, तो एक्स इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा सिंस एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, देयरफॉर एच के इज अ ग्रुप इज ग्रुप ऑल्सो। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच के। तो अगर एक्स एच के में है तो एक्स इनवर्स भी कहां पे होगा, एच के में। सो दिस इंप्लाइज एक्स इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच के। तो अब एच के एक्स इनवर्स एच के में है तो एक्स इनवर्स किस टाइप का होगा, एच के टाइप का। मीन्स एच, लेट दिस इज एच के, वेयर एच हमने कहा से लिया, कैपिटल एच सब ग्रुप में से, और के हमने कहा से लिया, कैपिटल के सब ग्रुप में से। सो एक्स इनवर्स इज ऑफ दिस टाइप। ठीक है जी, सो अब आपके पास एक्स इनवर्स इस टाइप का होगा, तो आपके पास एक्स जो होगा वो आप कैसे लिख सकते हो, इनवर्स का इनवर्स। सो दिस इज इक्वल टू एच के का इनवर्स। सो दिस इज इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स। और के इनवर्स एच इनवर्स किसका एलिमेंट है, क्योंकि आपके पास के जो है वो कैपिटल के से आया था और कैपिटल के एक सब ग्रुप है तो वहां इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और एच जो था वो कैपिटल एच से आया था और एच इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, तो इनके इनवर्स भी कहां पे होंगे, एच में और के में। सो दिस बिलोंग्स टू कैपिटल के एच। ठीक है, सो ये एलिमेंट के का, ये एलिमेंट एच का। सो अब एक्स कहां चला गया, के एच में। सो एक्स बिलोंग्स टू के एच, और एक्स कहां से लिया था, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के, तो एक्स एच के का एलिमेंट था और एक्स के एच में चला गया। दिस इंप्लाइज जो पूरे का पूरा एच के है वो किस में कंटेन्ड है, के एच में। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि जो के एच है वो भी कहां कंटेन्ड है, एच के में, तो वहां से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो अब करेंगे हम, नाउ वी विल प्रूफ के एच इज ऑल्सो कंटेन्ड इन एच के। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू के एच, एक्स हमने कोई भी एलिमेंट लिया के एच में से। ठीक है, सो अब आपके पास एक्स किस टाइप का होगा, के एच टाइप का, वेयर के बिलोंग्स टू कैपिटल के,
एंड एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, इस टाइप का होगा। तो अब हमारे पास एक्स इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स, इसका इनवर्स ले लो तो क्या आ जाएगा, सॉरी दिस इज के एच का होल इनवर्स, सो दिस इज इक्वल टू एच इनवर्स के इनवर्स, एच इनवर्स कैपिटल एच में और के इनवर्स कैपिटल के में, तो ये कहां चला गया आपके पास एच के में, ठीक है। अब हमने एक्स लिया था के एच में से और एक्स इनवर्स कहां इज ऑफ द टाइप के एच और एक्स इनवर्स कहां चला गया एच के में, और सिंस एच के इज गिवन टू बी सब ग्रुप, एच के क्या दिया हुआ है इज अ सब ग्रुप इज गिवन टू बी अ सब ग्रुप, देयरफोर यहीं पे लिख दो देयरफोर एक्स इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच के, ठीक है, एक्स इनवर्स का इनवर्स। अब एक्स इनवर्स तो एक्स एच के में चला गया और क्योंकि एच के जो है वो सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब एक्स इनवर्स का जब आप इनवर्स लोगे वहां वो भी कहां पे होगा एच के में, यहां लिख लो इनवर्स ऑफ एक्स इनवर्स एग्जिस्ट इन एच के, दैट इज एक्स इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, क्लियर। सो आपके पास क्या आ गया एक्स इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, सो दिस इंप्लाइज एक्स इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स के इनवर्स का इनवर्स विच इज अगेन इक्वल टू के इन टू एच, और के और एच किसके एलिमेंट है के एच का, और एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, सो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू के एच, क्लियर। सो एक्स कहां से लिया था, सॉरी दिस इज एच, दिस इज एच के, दिस इज एच के, सो दिस बिलोंग्स टू एक्स इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू दिस इज सॉरी दिस इज एक्स इनवर्स का इनवर्स, सो एक्स इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, बट एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स एच इनवर्स के इनवर्स का इनवर्स, सो दिस इज के एच इज बिलोंग्स टू एच के, बट के एच क्या है एक्स, सो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एच के, क्लियर। सो आपके पास एक्स के एच में से लिया था और एक्स कहां चला गया एच के में, सो दिस इंप्लाइज के एच पूरे का पूरा कहां चला गया एच के में, सो के एच इज कंटेन्ड इन एच के, और आपने पहले प्रूव किया था एच के इज कंटेन्ड इन के एच, एंड हियर यू हैव प्रूविंग के एच इज कंटेन्ड इन एच के, सो फ्रॉम वन एंड टू वी हैव के एच इज इक्वल टू एच के, सो दिस प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। नेक्स्ट कन्वर्सली व्हाट यू हैव टू प्रूव, लेट के एच इज इक्वल टू एच के इज इक्वल टू के एच, एंड यू हैव टू प्रूव एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। सो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आप किसी भी, अगर आपके पास कोई सबसेट है उसको सब ग्रुप कैसे प्रूव करोगे, कोई भी दो एलिमेंट लो और प्रूव कर दो ए बी बिलोंग्स टू एच, देन ए इंटू बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच, दिस प्रूव एच इज अ सब ग्रुप। तो वहां यहां पे भी हम इसके दो एलिमेंट ले लेंगे कोई भी, सो लेट एच वन के वन एच टू के टू बी टू एलिमेंट्स ऑफ एच के, एंड टू प्रूव वी हैव टू प्रूव एच वन के वन फर्स्ट इंटू एच टू के टू इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच के, ये प्रूव करना है हमने एच के को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। टू प्रूव एच के इज अ सब ग्रुप वी हैव टू प्रूव ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच के, सो लेट अस कैलकुलेट दिस, वट इज दिस एच वन के वन एच टू के टू का होल इनवर्स, दिस कैन बी रिटन एज एच वन के वन एंड के टू इनवर्स इंटू एच टू इनवर्स।
अब आपके पास K और H क्या दिया हुआ है, दे आर टू सब ग्रुप्स। तो अगर ये सब ग्रुप्स हैं, तो आपके पास अगर K1 और K2, यहाँ पे आप लिखोगे वेयर H1 H2 बिलोंग्स टू H एंड K1 K2 बिलोंग्स टू K, जब यहाँ पे ये डिफाइन करोगे तो यहाँ लिखोगे भी, ठीक है, K1 K2 बिलोंग्स टू K। अब अगर आपके पास K1 K2 जो है वो K में से थे और K सब ग्रुप है, तो ये दोनों के इनवर्स भी तो वहीं पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सो आपके पास K1 K2 इनवर्स कहाँ चला जाएगा, K में, बिकॉज बाय डेफिनेशन K इज सब ग्रुप, ठीक है, K सब ग्रुप दिया हुआ है, तो K1 K2 इनवर्स कहाँ जाएगा, K में। तो ये किसके एलिमेंट है, K का एलिमेंट है। सो हम इसको लिख सकते हैं K1 K2 इनवर्स इज इक्वल टू सम, लेट अस सपोज K3, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू K3। सो आपके पास क्या आ गया, दिस इज H1 K3 H2 इनवर्स, ठीक है। अब K3 K का एलिमेंट है और H2 जो था वो H का एलिमेंट है, तो H2 इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा, बाय बिकॉज H इज अ सब ग्रुप गिवन टू यू, और अगर वो सब ग्रुप है तो ग्रुप भी होगा, तो अगर H2 वहां पे है तो उसका इनवर्स भी वहीं पे होगा। सो सिंस सिंस K3 बिलोंग्स टू K, H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H, देयरफॉर K3 इनटू H2 इनवर्स बिलोंग्स टू KH, ये KH को बिलोंग करेगा और KH किसके इक्वल है, HK के, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू HK। तो अब आपके पास K3 K3 H2 इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, HK का, ये कहां चला गया, HK में। तो अगर ये HK में चला गया तो दिस कैन बी रिटन एज सम एलिमेंट ऑफ HK, सो दिस इंप्लाइज K3 H2 इनवर्स कैन बी रिटन एज सम एलिमेंट ऑफ HK, मींस दिस कैन बी रिटन एज H3 इनटू K4, लेट अस सपोज दिस कैन बी रिटन एज H3 की HK का एलिमेंट है ना, सो दिस कैन बी रिटन एज H3 इनटू K4। तो यहां वैल्यू पुट कर दो H1 H3 K4, सो इट इज H1 H3 फिर से किसका एलिमेंट बन जाएगा, H का, सो लेट दिस इज H4 K4, क्लियर। अब H4 K4 किसका एलिमेंट है, फिर से यहां पे लिख लो H1 H3 बिलोंग्स टू H, ठीक है। सो ये H का एलिमेंट, K4 K का एलिमेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस बिलोंग्स टू H, H4 K4 बिलोंग्स टू HK। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, H1 K1 इनटू H2 K2 इनवर्स बिलोंग्स टू HK। सो दिस इंप्लाइज HK इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। लेट मी रिवाइज अगेन, आपके पास HK आपने प्रूफ करना है सब ग्रुप, तो आपने इसके दो एलिमेंट ले लिए, H1 K1 H2 K2 बिलोंग्स टू HK, वेयर H1 H2 बिलोंग्स टू H, K1 K2 बिलोंग्स टू K। और अगर आपके पास H और K सब ग्रुप दिया हुआ है तो ये ग्रुप भी होंगे, तो इट मींस H1 इनवर्स H2 इनवर्स भी H में होगा, K1 K2 इनवर्स भी K में होगा। सो आई हैव वी हैव कैलकुलेटेड दिस, सो वी हैव H1 K1 इनटू K2 इनवर्स H1 इनवर्स। अब यहां से K1 K2 इनवर्स, K1 K2 अगर K में था तो K1 K2 इनवर्स कहां चला गया, फिर से K में, बिकॉज K इज अ सब ग्रुप, लेट दिस बी एन एलिमेंट K3, सो हमने इसकी जगह रख दिया K3। अब K3 K में से है, H2 इनवर्स H में से है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कहां चला जाएगा, KH में, और KH किसके इक्वल है, HK के, सो दिस इज इक्वल टू HK। अब आपके पास K3 H2 इनवर्स किसके एलिमेंट आ गया, दिस इज एलिमेंट ऑफ HK, तो इसका कोई एलिमेंट HK हमने क्या लिख लिया, दिस इज इक्वल टू H3 K4, H3 belongs to H, K4 belongs to capital K। उसके बाद अगेन H1 H3 belongs to capital H, so this is element of H, this is element of K, so this belongs to HK, so this proves the result।
Next theorem, if H1, H2 are two subgroups of G, then prove that H1 intersection H2 is also a subgroup of G. So, proof of the theorem. So, let A, B belongs to H1 intersection H2 and we have to prove AB inverse belongs to H1 intersection H2. अगर हमने इसको प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 सबग्रुप है G का, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? AB इनवर्स कहाँ पे है? H1 इंटरसेक्शन H2 में. So how will you prove? सबसे पहले आप H1 इंटरसेक्शन H2 को नॉन एम्प्टी सेट दिखाओगे. वो कैसे दिखाओगे? आपके पास आइडेंटिटी, क्योंकि H सबग्रुप है, H1 सबग्रुप है और H2 भी सबग्रुप है, तो आपके पास आइडेंटिटी जो होगी वो H1 में भी होगी और H2 में, क्योंकि ये सब ग्रुप है तो ये ग्रुप होंगे. सो आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H1 एंड H2 आल्सो, देयरफॉर दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 इंप्लाइज H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू 5. तो ये नॉन एम्प्टी सेट है. यहां पे लिख लो, सिंस आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H1 एंड H2, दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, दिस इंप्लाइज H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू 5. क्लियर? सो लेट AB बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड टू प्रूव H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप, वी हैव टू प्रूव AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2. Since AB belongs to H1 intersection H2, this implies AB belongs to H1 and AB belongs to H2. ठीक है, तो AB H1 में भी होगा, AB H2 में भी होगा. Since H1 and H2 are subgroups, therefore AB inverse H1 में भी होगा और AB इनवर्स H2 में भी होगा. सो फ्रॉम 1 आपके पास AB इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में भी होगा. तो AB आपने कहां से लिया था? H1 इंटरसेक्शन H2 में से. और AB इनवर्स कहां चला गया? H1 इंटरसेक्शन H2 में. सो व्हाट डज दिस इंप्लाइज? H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप of group G. This completes the proof. Next theorem, an arbitrary intersection of subgroups, that is intersection of any family of subgroup of a group, is a subgroup. Again proof of the theorem. फिर से जैसे आपने दो उसके लिए किया था subgroups के लिए, यहां पे जो इंटरसेक्शन है वो आर्बिट्ररी है. आर्बिट्ररी मीन्स आपको नंबर नहीं पता, एक है, दो है, तीन है, एन है, एन से भी ज्यादा. आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन. सो लेट इंटरसेक्शन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन हम लेट कर लेते हैं. लेट एच इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एच लैम्डास, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, इज फैमिली ऑफ, ऐसे हम किसी भी फैमिली को अगर हमने, जो इनफाइनाइट हमें नहीं पता इस डेल्टा में कितने मेंबर्स हैं, तो जब भी हमने फैमिली को डिफाइन करना है तो हम इस तरह से करते हैं, एच लैम्डा वर लैम्डा बिलोंग्स टू अ सेट डेल्टा, विच इज हमें नहीं पता ये लैम्डा कितने हैं, विच इज अ फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स. ठीक है, दिस इज फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स एंड यू हैव टू प्रूव दिस फैमिली इज also a subgroup, that is H is a subgroup. So सबसे पहले H is a non-empty set और आपको given क्या है? Given is H lambda is subgroup for all lambdas. जितने भी आपके पास H lambda है वो क्या है? Subgroup है, intersection of subgroups. ठीक है, so आपके पास ये H lambdas क्या है? सब ग्रुप है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा. ठीक है,
सो हर एच लैम्डा सब ग्रुप है, हर एच लैम्डा सब ग्रुप है तो हर एच लैम्डा ग्रुप भी होगा, तो अगर वो ग्रुप है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी. सो देयरफॉर सिंस एच लैम्डा इज सब ग्रुप फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा इंप्लाइज आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच लैम्डा फॉर एवरी लैम्डा. This implies identity belongs to intersection of H lambda for lambda belongs to delta. So this implies intersection of H lambda where lambda belongs to delta is not equal to 5. तो ये एक non-empty set हो गया. So let AB belongs to intersection of H lambda where lambda belongs to delta. ठीक है. और हमने क्या प्रूव करना है? To prove A B inverse belongs to intersection of H lambda where lambda belongs to delta. तो अगर A B intersection में है तो it means A B हर H lambda में होगा. So since A B belongs to intersection of H lambda, lambda belongs to delta, this implies A B belongs to H lambda for all lambda belongs to delta. And as H lambda is subgroup for all lambda, this implies AB inverse belongs to H lambda for every lambda belongs to delta. So agar AB inverse har ek H lambda mein ho gaya, to this implies AB inverse kahan chala gaya? This belongs to अब ए बी इनवर्स हर एच लैम्डा में है. ठीक है. तो वो कहां चला जाएगा? इंटरसेक्शन में, बिलोंग्स टू लैम्डा. सो दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ एच लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा इज अ सब ग्रुप ऑफ जी. क्लियर. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ.